नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं जा रही हूँ कि मशीन से बॉब कट कैसे काटते हैं, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। उसका बाल बहुत ठीक है। अभी मैं 3 सेक्शन करती हूँ, आगे का बाल आगे और पीछे के बाल के फर्स्ट सेक्शन लेती हूँ। फर्स्ट सेक्शन लेके हम इसमें मशीन लगाएंगे। आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में मशीन कैसे करते हैं, ठीक है। मशीन में दांत है 4 mm का। जब भी हम मशीन यूज़ करते हैं हेयर ग्रोथ के अपोजिट करते हैं। ओके, सेकेंड सेक्शन में है, हम लेते हैं 1.5 इंच। उसके बाद रफली हेयर कट करते हैं पहले। जो मशीन से थोड़ा नीचे नीचे, उसके बाद हम थिनिंग सीजर यूज़ करते हैं। उसका बाल बहुत थिक है, इसीलिए हम थिनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। आप इसके वीडियो में देख सकते हैं, उसका बाल का स्ट्रक्चर भी थिक है, मोटा मोटा है, और थिक होने के कारण से हम थोड़ा ज़्यादा ही थिनिंग करना पड़ता है, नहीं तो फिर नहीं बढ़ता है। हाई बॉब कट नहीं होता है उसका, थोड़ा मशीन वाला थोड़ा हाई बॉब कट है, जो अच्छे वाला बॉब दिखे ऐसा वाला है। उसके बाद फिर लंबा लंबा है, हम उसको मशीन से काट देते हैं। मशीन में दांत है, ठीक है, वो मशीन का दांत में हमारा है 4 mm। उसके बाद हम बैलेंस करते हैं मशीन से, कंघी के द्वारा से कंघी को प्रेस करते हैं, होल्ड करते हैं, कॉम करते हैं, उसके बाद हम मशीन यूज़ करते हैं। मैंने बता चुकी हूँ मशीन हम जब यूज़ करते हैं हेयर ग्रोथ के अपोजिट। ओके, उसके बाद हम फिर थोड़ा थिनिंग करते हैं, जिधर हम थोड़ा थिक लगा उसमें थोड़ा हम फिर टच अप थिन करते हैं। ये मैं यूज़ कर रही हूँ थिनिंग सीजर। उसके बाद 3 सेक्शन। अब इधर आप देख सकती हैं थिनिंग सीजर से बाल काटना। मैं सीजर नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं थिनिंग सीजर यूज़ कर रही हूँ। थिनिंग सीजर हम बाल को होल्ड करके नीचे से थिन करते हैं। देखिए आप ऐसा देख सकते हैं, नीचे से थिन करें। ज़्यादा रूट तक नहीं ले जाइए, थोड़ा रूट छोड़ के आप थिनिंग करें। अगर बाल थिन है तो नो नेसेसरी, बहुत थिक है तो आपको मस्ट भी ये थिन करना ज़रूरी होता है। और स्प्रे करें और उसके बाद कट करें। जो ये लेंथ होता है आप देख सकती है, मशीन हम कहाँ तक काटा है, मशीन का अब कहाँ तक हम मशीन कट काटा है, वहाँ तक ही हम लेंथ रखना पड़ता है। मैंने एवरी वीडियो में बोल रहे हैं कि हम जब बाल लेते हैं हॉरिजेंटल, ज़्यादा अप नहीं करना है, ग्रोथ लेन का नीचे ही करना है। इसको हम लो स्टेप भी बोल सकते हैं। थोड़ा अनटाइट ही दिख रहा है, उसको बैलेंस करें। फिर लास्ट सेक्शन में हमने फिर थिनिंग सीजर यूज़ किया। आप देख सकते हैं थिनिंग सीजर यूज़ करते वक्त हम नीचे से करते, ऊपर से नहीं, कभी भी आप ऊपर से ना करें, नीचे से थिनिंग सीजर। एक ही जगह हम थिन नहीं करते हैं, थिनिंग करते करते नीचे डालते, ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक
आप वीडियो में देख सकते हैं, ऊपर करें उसके बाद नीचे 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 ले आइए, ऐसा ऊपर नीचे 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 ऐसा। उसके बाद हम पहले की गाइडलाइन के, पहले कटिंग हुआ है उसके लेंथ में गाइड करके हम बराबर काट देते हैं। आपका जो मैंने सीजर चलाया हुआ है ऐसे कटेंगे तो आपका बहुत नेचुरल लुक आ जाता है। ओके, अब साइड पार्टिंग, अब अनदर मतलब साइड में काट, कैसे काटते हैं। अभी मैं जा रही हूँ मेसिन लगाने, ठीक है, कान के ऊपर ऊपर मेसिन लगा के कान के ऊपर ऊपर तक हम बाल को छोटा करेंगे। इसमें भी हमने मेसिन का दांत लगाया हुआ है 4 mm। और दांत को निकाल के हम टाइडी अप करें, बेबी हेयर होता है, लंबा लंबा होता है, इसमें ऐसा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मशीन यूज़ करते वक्त मैंने कान पकड़ के किया, और इसमें थोड़ा लंबा छोटा होता है, उसको मैं कैंची से बराबर करें। उसके बाद इसको हम थोड़ा लंबा करके काटते हैं कान तक। थोड़ा नेचुरल दिखाने के लिए थोड़ा थिनिंग सीजर यूज किया। अब इसको भी थिनिंग सीजर से नीचे से ऊपर तक, इसमें लेयर भी अच्छा आता है और ऊपर बॉब बन जाते हैं। ऊपर ज़्यादा बाल होता है, नीचे थोड़ा कम हुआ तो बॉब दिखता है ना। और दूसरा साइड भी हम मेसिन लगाते हैं, पर दूसरा साइड हम थोड़ा छोटा ही रखने वाले हैं कान के ऊपर ऊपर तक। उस साइड में हमारा कान के नीचे नीचे तक कान कवर करने वाला लंबा था, तो इस साइड पर हम कान से ऊपर वाला कटिंग कर रहे हैं, मतलब लाइक ऑलमोस्ट बॉयज कट। ये उसका अपने स्टाइल का हेयर स्टाइल है, एक तरफ लंबा और एक तरफ छोटा और पीछे बॉब वाला। इसको हम छोटा करेंगे, कान के ऊपर तक ले जाएंगे। उसके बाद थिनिंग करते हैं ताकि अच्छे से बैठे बाल। थोड़ा मिला देते हैं लंबा छोटा। और थिनिंग सीजर से बाल फिर काटते हैं। हम ऐसे भी काट सकते हैं थिनिंग सीजर से, आप देख सकते हैं हाथ से पकड़ के ऐसे, पर ये प्रोफेशनल के बाद ही कर सकते हैं, आप बिगिनर के लिए नहीं है, ये प्रोफेशनल के लिए है।
फिर लंबा छोटा को ट्रिम करें। थोड़ा थिनिंग करें, जैसे कि थिक लग रहा है मेरे हिसाब से। इसका बाल बहुत थिक है और स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए अच्छे से नहीं बैठता है। अभी उधर का बाल इधर ले आके थोड़ा लंबा छोटा मिलाएं ताकि अच्छे दिखे। अभी थोड़ा फिनिशिंग टच दे, तो जिधर ठीक है उधर थोड़ा थिन करें। आप देख सकते हैं एक तरफ छोटा और दूसरी तरफ लंबा हेयर स्टाइल और पीछे से बॉब कट। थैंक यू।